हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जेड टू ए सोल्यूशन पे। तो आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये हमारे 17 साल का एक्सपीरियंस जो हमारी शॉप को हमने जो एम्पायर खड़ा करा है उसको 17 साल हो गए। उस 17 साल के अंदर जो भी एक्सपीरियंस हमने लिया है, चाहे वो लॉस का हो चाहे वो प्रॉफिट का हो, वो मैं सारा का सारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपके साथ वो ना हो जो हमारे साथ हो चुका, लॉस एंड देन प्रॉफिट, दोनों का दोनों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस की, और ये 17 साल का एक्सपीरियंस है, ये एक पार्ट के अंदर तो आएगा नहीं और ना मैं एक पार्ट के अंदर इसे बना सकता, तो ये मैं पार्ट टू पार्ट बनाता चला जाऊंगा और आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। इसका फर्स्ट पार्ट अब ये बनने जा रहा है। तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे साथ हो चुका है, कि मोस्टली कस्टमर क्या होते थे कि हमारे पास आया करते थे कि भैया मुझे अपने फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास चेंज कराना है। उनको भी नहीं पता होता था मोस्टली कस्टमरों को कि उनका टेम्पर्ड मतलब ब्रेक है या नीचे से उसकी स्क्रीन ब्रेक है, क्या है क्या नहीं है, एक्स वाई जेड, वो तो हमें ही पता होता है क्योंकि हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें तो यही लगेगा कि भैया हमारा तो सिर्फ टेम्पर्ड क्रैक था, डिस्प्ले नीचे से ओके थी। मोस्टली केस में क्या होता है कि कस्टमर हमारे पास लेकर आ जाता है इस तरीके से फ़ोन जो नॉर्मली मतलब हल्का सा क्रैक होता है उसके अंदर, जैसे एक क्रैक है दो क्रैक है ऐसे करके क्रैक होता है। बहुत से कस्टमर सोचते हैं कि हमारा सिर्फ ये ग्लास ऊपर का टूटा हुआ है, नीचे का टच एकदम नीट एंड क्लीन है। अब हम उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी कैबिन बना होता है टेम्पर्ड है, मोस्टली कैबिन के अंदर ही लोग लगाते हैं ताकि डस्ट वगैरह उस पर ना आए, क्योंकि डस्ट से टेम्पर्ड में बबल्स बन जाते हैं। तो मोस्टली कस्टमर क्या करते हैं, वो अपने कैबिन में ले जाके उसको टेम्पर्ड को हटा के उसको अच्छे से क्लीन करके, जैसे भी वो अपनी तरफ से करते हैं मेहनत कोशिश कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा सर्व मतलब फ़ोन को क्लीन करके दे, ताकि कस्टमर हमारे पास दोबारा आए सेकंड टाइम। आप ये सोच के काम कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो कस्टमर के दिमाग में चल रहा है वो तो कस्टमर ही जानता है, आप तो नहीं जानते उस चीज़ को। आपने उसको अच्छे तरीके से क्लीन करा, फ़ोन को क्लीन करने के बाद उसको नया टेम्पर्ड उस पर अप्लाई करके उसके कस्टमर को दे दिया। कस्टमर देखेगा, भैया आपने कस्टमर को फ़ोन दिया, सर ये आपका फ़ोन। कस्टमर आप सोचोगे कस्टमर बड़ा खुश होगा, लेकिन कस्टमर खुश थोड़ी होगा, कस्टमर देखेगा भैया मेरा फ़ोन तो वैसा का वैसा ही है जैसे पहला था। तो आप बोलोगे कि भैया मैंने टेम्पर्ड नया लगा दिया, वो कहेगा भैया मेरा तो पहले टेम्पर्ड टेम्पर्ड क्रैक था, स्क्रीन तो एकदम ओके थी ऊपर से। अब आप उसको सफाई दोगे, वो आपकी सफाई मानेगा नहीं, ना वो इस चीज़ पे एग्री होगा, क्योंकि आपने ये टेम्पर्ड उसके सामने रिमूव नहीं किया। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि कस्टमर आपके पास आया तो कस्टमर को पहले ही बता दो, आपको एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए इस लाइन के अंदर। कि बहुत से कस्टमर दुकानदार क्या होते हैं कि नई नई दुकान खोल लेते हैं, थोड़े से मॉडल के टेम्पर रख लिए, थोड़े से कवर रख लिए, थोड़ी सी एक्सेसरीज रख के, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम दुकानदार बन गए। तो ऐसा नहीं है, इस काम के लिए भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती आपको हज़ारों रुपये का नुकसान दे सकती है, हमारे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। मैं धीरे धीरे आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करा करूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे साथ जो सीन क्रिएट हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। आईफोन 6 आया था हमारे पास, जिसका टेम्पर्ड होता है नीचे से कलरफुल वाला, ये देखिए यहाँ से ऊपर से भी वाइट और नीचे से भी वाइट। अगर ब्लैक होगा तो ये ऊपर का पोजीशन ब्लैक होगा, नीचे का भी ब्लैक होगा। उस कस्टमर का क्या सीन था, उसका ये था, उसका टेम्पर्ड ये ऊपर से जो है यहाँ से क्रैक था, इधर से ऐसे करके क्रैक हो रहा था। नीचे से जो उसकी टच, यहाँ से देख सकते हैं आप, टच जो होती है नीचे से ये क्रैक थी, ये इस वाले ग्लास के अंदर कवर हो जाती है। अगर हल्का फुल्का टूटा होता है तो यहाँ से दिखाई नहीं देता। हमने क्या करा, हम अपने कैबिन में ले जा गए, कैबिन में ले जाकर हमने उसका टेम्पर हटा के नया लगा के दे दिया। जब हमने उसका टेम्पर हटाया तो उसका जो क्रैक जो था, जो इसको बाल बोलते हैं हम, वो टेम्पर्ड जैसे ही हमने हटाया तो उसका क्रैक पहले वो यहीं तक था, यहाँ से वो उसका क्रैक पूरा डिस्प्ले में यहाँ तक ऊपर तक आ गया। कस्टमर बोलता है कि भैया मेरा तो पहले टूटा था, हमारा वाला सीन अलग था, हमारा कस्टमर बोला भैया पहले मेरा टूटा था लेकिन इतना नहीं टूटा था, समझ गए, हमें एक्सपीरियंस नहीं था, हमें उसके सामने हटाना था, हमें पहले ही बता देना था भैया ये इतना टूटा हुआ है, हटाते टाइम हो सकता है कि ये और आगे तक टूट जाए, मैं आपके सामने हटाऊंगा जैसे भी है और आराम आराम से हटाऊंगा। तो कस्टमर को लगता है कि हाँ भाई आपने आराम आराम से ही हटाया उसको, हमने उसके सामने नहीं हटाया, कैबिन में ले जाकर हटा के और उसको नया टेम्पर्ड अप्लाई करके उसको दे दिया और वो बाल क्रैक यहाँ तक आ गया। फिर तब से हम इस चीज़ का यूज़ करने लगे, जब हमने चोट खाई तब से हम इस चीज़ का यूज़ करने लगे। ये नॉर्मली टेम्पर्ड जो होते हैं हमारे 18D आते हैं और आपका सुपर एक्स आता है, डी प्लस आता है, काफ़ी तरीके की क्वालिटी आती है, वैरायटी आती है उसके साथ, ये हर किसी के साथ मिलता है। बस फर्क इतना होता है किसी के साथ मोटा होता है, किसी के साथ ये प्लास्टिक का जो क्या कहते हैं रैपर होता है पतला होता है। बहुत से लोग ताश वगैरह आते हैं उसका भी यूज़ कर लेते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। हमारे पास तो ज़्यादातर पता ही ग्लास लगाते तो ये चीज़ वेस्ट जाती है, तो इसको हम यूज़ में ले लेते हैं। उस टाइम से हमने फिर क्या करा, हमको कस्टमर के सामने, जब भी कस्टमर हमारे से कहता है कि भैया मुझे ग्लासेस का चेंज कराना है, तो हम कस्टमर के सामने इसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं नीचे ऐसे आराम आराम से, ये देखिए
इतना। फिर उसके बाद इसका डिस्प्ले का लॉक खोला ताकि अगर डिस्प्ले में अगर कोई स्पॉट वगैरह है तो वो दिख जाए भाई, हम वहीं इसको रोक देंगे। अगर डिस्प्ले में कोई स्पॉट या जोर पड़ेगा डिस्प्ले में, जैसे कलर वगैरह चेंज होगा, तो हम इसको रोक देंगे। ये देखिए ऐसे करके आराम आराम से इसको अप्लाई करा, ये हट गया। हटने के बाद अब कस्टमर को, अब जो भी कुछ टूटा हुआ है कस्टमर के सामने ही है, कस्टमर आपसे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि भैया मेरा फ़ोन एकदम क्लीन था या आपसे टूटा है, आपने कस्टमर के सामने हटाया। अब ये जो भी कुछ है कस्टमर के सामने ही है, फिर इसको अच्छे से क्लीन करो। क्लीन करने के बाद इसके जो एयर पिक होते हैं ये ऊपर वाले, इसको टूथब्रश होता है या वाइट पेट्रोल होता है आपके पास या एसीटोन होता है, कुछ भी हो उसको उसको डाल के अच्छे से क्लीन करो। फिर यहाँ से इसको रिंगर को क्लीन करो, जैक वगैरह के अंदर हल्की फुल्की डस्ट वगैरह है तो वो निकाल दो कस्टमर के सामने, ताकि कस्टमर को लगे हाँ आपने उसके फ़ोन में नॉर्मली सर्विस करी है। फिर उसके बाद अच्छे से इसको क्लीन करो, जो भी आपके पास क्लीनर वगैरह होता है। क्लीन करने के बाद इस पर टेम्पर्ड अप्लाई करो, फिर कैबिन में ले जाके जो काम कस्टमर के सामने करने का उसे आप कस्टमर के सामने करो, जो काम आपको कैबिन में ले जाके करने का वो कैबिन में ले जाके आप कर सकते हो। वहाँ पर भी आप कैमरा लगाएं सीसीटीवी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा क्रैक है यहाँ पे इतना सा। टैम्पर्ड लगाने के बाद बहुत से लोग क्या होता है वाइफर मारते हैं उसके ऊपर, उसको लगाने के लिए 9H में हमें वाइफर का यूज़ करना पड़ता है प्लास्टिक के, और जो 18D होते हैं नॉर्मल टैम्पर्ड होते हैं सुपर एक्स होते हैं, इनमें वाइफर का यूज़ करना नहीं पड़ता, वो रखते ही अपने आप अप्लाई होता चला जाता है, चुपकता चला जाता है। लेकिन 9H जो होता है उसके अंदर हमें वाइफर का यूज़ करना पड़ता है बबल्स निकालने के लिए प्लास्टिक वाले। उस कंडीशन में पता लगे कि हल्का सा यहाँ से क्रैक है और क्रैक वो वाइफर लगाती आगे तक बढ़ गया। इस तरीके की भी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती हैं, तो इस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान रखें। सारे कस्टमर जो है एक जैसे नहीं होते। हमारे वाले कस्टमर ने तो बोल दिया था कि भैया मेरा पहले कम टूटा था अब ये ज़्यादा टूट गया, तो आधा खर्चा हमने उसके ऊपर डाल दिया और आधा अपने ऊपर करके उसको कस्टमर को पूरा फ़ोन ओके करा के ओसी करा के जैसे भी देना था हमने उसको दे दिया। एक बार यूवी वाला टेम्पर लगवाने के लिए हमारे पास कस्टमर आया वीवो V27 प्रो लेकर, तो उसमें क्या था कि हमने वीवो V27 पे यूवी लगाया तो हमारे स्टोर पे काफ़ी क्राउड था, तो जल्दबाजी में हमने यहाँ पर टेप लगाना भूल गए ताकि यूवी इसमें स्पीकर में ना जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी एक टेप लगाते हैं हम, यूवी जब हम अप्लाई करते हैं तो एक डॉट इधर लगाते हैं, एक इधर और एक इधर, वो तीन डॉट जब हम इस पे रखते हैं लिक्विड के जो केमिकल होता है हमारा यूवी जिसको हम बोलते हैं, एक डॉट इधर एक इधर एक इधर, ये तीन डॉट हमने इस पे रखे, फिर उस डॉट को देखना होता है कि उसके अंदर भी बबल्स तो नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर बबल्स होगा तो जैसे ही आप टेम्पर्ड उस पे अप्लाई करेंगे अप्लाई करते ही वो बबल्स फूटेगा नहीं, वो एक से ये वाला इसमें मर्ज हो जाएगा, ये वाला बबल्स इसमें मर्ज हो जाएगा, तीनों एक जगह मर्ज हो गया, पूरा का पूरा यूवी आपका फ़ोन पे अप्लाई हो जाएगा। इस वाले पे स्पीकर पे हमने जाले टेप नहीं लगाया था तो हल्का सा ग्लू उसके स्पीकर में चला गया। स्पीकर में जाने के बाद हमने कस्टमर से बोला, कस्टमर बोला कि भैया मैं कल ही नया फ़ोन लेकर आया था, उसने बिल वगैरह देखा, हमने उसको बोला कि भैया आप ऐसा आपका फ़ोन न्यू है आप सर्विस सेंटर लेके जाओ, आपको कंपनी न्यू कर मतलब जो भी है वो नया कर जो भी मतलब होगा या रिपेयर करेगी जैसे भी आपको नया करके देगी आपका फ़ोन, क्योंकि आपका एक दिन पुराना फ़ोन है। गलती हमारे से ये हुई कि हमने उसका यूवी टेम्पर्ड रिमूव करके उसको नहीं भेजा, वहाँ पर जैसे ही वो गया तो कंपनी ने उसको आउट ऑफ वारंटी कर दिया कि सर आपने ये यूवी टेम्पर्ड तो लगवाया इसका केमिकल इसके अंदर चला गया, क्योंकि वहाँ पर वो टेम्पर्ड लगा हुआ था उस पर, तो कंपनी ने उसको आउट ऑफ वारंटी कर दिया। फिर वो फ़ोन कस्टमर को हमने कमिटमेंट कर दिया था कि अगर कंपनी नहीं करके देगी तो हम आपको नया फ़ोन दिलाएंगे, तो वो फ़ोन फिर मैंने उस अपने पास रखा और उसको कस्टमर को नया फ़ोन दिलाया था 34,000 रुपये का, 34,000 रुपीज़ का V27 Pro दिलाया था मैंने उसको। फिर मैंने वो वाला फ़ोन किसी वेंडर को भेज दिया था 24,000 रुपीज़ में, क्योंकि वो वन डे ओल्ड था। फिर जो मैंने उसको नया वाला फ़ोन दिलाया था वो मैंने क्रेडिट कार्ड वगैरह से उसको का न्यू फ़ोन दिलाया, उसको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल गया, तो 29,000 रुपीज़ का वो पड़ा हमें, तो टोटली लॉस हमें 5,000 रुपीज़ का पड़ा था। जो 24,000 रुपीज़ जो मेरा फ़ोन था V27 Pro जो मैंने बेचा था उसको, वो जो अमाउंट हमें मिला था उसका अमाउंट का हमने क्या करा कि वो पैसा भी रिकवर करना था जो लॉस हुआ है हमें 5,000 रुपये, तो 24,000 रुपीज़ वो 26 अपने और ऐड करके 50,000 रुपीज़ का हमने मार्केट से टेम्पर्ड वगैरह कुछ मॉडल्स थे जो हमने परचेस कर लिए और उसका मार्जिन उसके अंदर कवर हो गया, क्योंकि उस पैसे को अगर हम अपने पास रख लेते जेब में तो वो 24 के 24 ही रहते, वो बढ़ते नहीं, तो 24 वो और 26 अपने पास से डाल के 50,000 रुपीज़ का हमने माल मार्केट से परचेस करके कुछ इस तरीके से दुकान के अंदर इंक्रीज़ कर दिया माल, कि अब ये माल हमारा 2 महीने में बिके या 1 महीने में सेल होगा तो ये हमें उसका लॉस कवर करके दे देगा। एक फ्रेंड है सुफियान, वो केरला के अंदर रहता है, उसकी ट्रिवेंड्रम में शॉप है, उसका परसों ही मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मैंने पूछा क्या हो गया भाई, तो उसने बोला कि भाई मेरे पास एक मोटो
मोटो का फ्लिप फ़ोन आया है, मोटो का फ्लिप फ़ोन आया है, उसके अंदर उसने मेम्ब्रेन अप्लाई करा था, उसका पीछे से ग्लास ब्रेक था, पीछे से उसकी उसमें फ्लिप में दो डिस्प्ले होती हैं, पीछे वाली डिस्प्ले उसकी ब्रेक थी। तो मोस्टली क्या हुआ होगा, उसके कस्टमर के हाथ से उसका फ़ोन गिरा होगा, तो उसके पीछे की डिस्प्ले जो है डैमेज हो गई थी। तो वो आगे वाली स्क्रीन पे उससे मेम्ब्रेन अप्लाई करवाने के लिए आया था आगे वाली डिस्प्ले पे कि भैया मुझे इस पर मेम्ब्रेन लगवाना है प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्शन। तो उसने क्या करा, उसने उस पर जब मेम्ब्रेन अप्लाई करा, अप्लाई करते टाइम उसकी डिस्प्ले में फोल्ड वाले में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आ रही है, फोल्ड हो गया, फ्लिप हो गया, उसके अंदर डिस्प्ले में लाइन आ जाती है ग्रीन कलर की, ऐसे करके लाइन आ जाती है, जिसमें कि वन प्लस ने तो लाइफ टाइम सपोर्ट दे रखा है कि मेरे कभी भी किसी भी कस्टमर को डिस्प्ले में अगर लाइन आती है तो मेरे पास आके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा सकता है, वन प्लस ने लाइफ टाइम सपोर्ट दे दिया है। लेकिन अभी दूसरी कंपनियों ने ऐसा कोई मतलब डिसीजन नहीं लिया है, सिर्फ वन प्लस ने लिया है। तो फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया, या जितने भी फोल्ड आ रहे हैं, फ्लिप आ रहे हैं, इस तरीके के और भी कंपनी फ़ोन निकाल लिया है, वीवो का भी आ रहा है, फैंटम में भी आया है, फैंटम का भी एक नया फ़ोन आया है फोल्ड में, उसका मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है, इस तरीके के काफ़ी फ़ोन आते हैं। तो उस पर भी जब आप मेम्ब्रेन अप्लाई करते हैं तो मेम्ब्रेन अप्लाई करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि डिस्प्ले पे आराम से वाईफाई चला के मेम्ब्रेन अप्लाई करें, हो सकता है जो आज सुफियान के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत से हमारे शॉपकीपर होते हैं जो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, और उनके साथ अगर इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप सोच ही सकते हैं वो कैसे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उन ज़्यादातर ध्यान रख के इस काम को करिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यूवी टेम्पर लगाइए, मेम्ब्रेन लगाइए, सब चीज़ लगाइए, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यूवी तो बिल्कुल भी ना लगाएं आप, और मेम्ब्रेन भी ना लगाएं, क्योंकि मेम्ब्रेन वाईफाई से लगाना अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करते टाइम डिस्प्ले में लाइन आ ही जाती है, हल्का फुल्का सा दबाने से भी लाइन आ जाती है उसके अंदर। मेम्ब्रेन बहुत ध्यान से लगाने वाली चीज़ है, मेम्ब्रेन अगर आपको आती है लगाना तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज मत अप्लाई करें उसे किसी भी फ़ोन पर। तो अब आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अब आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो नए एक्सपीरियंस के साथ लेकर आएंगे जो हमारे साथ होता रहता है, और आपके साथ भी अगर कुछ इस तरीके का हुआ हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और हम तो ज़्यादातर आपको पता ही है कि हम सारे के सारे जो हमारी फैमिली मेंबर हैं, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब पे, जो जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारे हमारे फैमिली मेंबर ही हैं, वो सारे के सारे अलग अलग ही रहते हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई केरला में है, कोई त्रिवेंद्रम में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई पूना में है, कोई इंदौर में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सबके अलग अलग जगह पे है, कोई एमपी में है, कोई बहुत सारी जगह पे है, हमारे फैमिली मेंबर ही हैं हमारे यूट्यूब के। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ भी अगर इस तरीके की क्रिएटिविटी होती है या ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होती है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं, शेयर करें हमारे साथ, और हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इसी तरीके से मैं आपके साथ वीडियो लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, जो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ, हमारे मतलब 17 ईयर्स में जो भी एक्सपीरियंस हमने लिया है, चाहे वो लॉस वाला हो चाहे वो प्रॉफिट वाला हो, सारा का सारा आपके साथ शेयर करा करेंगे। तो ये हमारा पार्ट वन था, अब इसके बाद हम पार्ट टू बनाएंगे, उसके अंदर नया एक्सपीरियंस लेके आएंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।